गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज है मेरा हैदराबाद में डे टू। हाँ जी, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैं अभी हैदराबाद में हूँ। कल मैं बस एक ही दो जगह विजिट कर पाया, एक तो मैं इनऑर्बिट मॉल गया था, दूसरा मैं बावर्ची का बिरयानी खाने गया था। वो एक्सपीरियंस मैंने अपना शेयर किया हुआ है, जाके लास्ट वीडियो देख लेना। आज फिलहाल बहुत सारे जगह जाने का प्लान है। वैसे तो प्लान था सुबह सुबह ही निकल जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाता भाई। अगर आप डेली व्लॉग कर रहे हो, डेली वीडियो एडिट कर रहे हो, तो सुबह वाला चीज तो भूल ही जाओ, क्योंकि एक टाइम तो मेरे को चाहिए वीडियो एडिट करने के लिए, अपलोड करने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए। फिर कोई नहीं, बस मैनेज हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। एक दो जगह छूट जाता है लेकिन मैनेज हो जाता है। आप में से काफी लोगों का कमेंट आया था कि मोहित भाई आप इधर इधर जा सकते हो, तो मैंने कुछ एक लिस्ट बना लिया है, एक एक करके मैं जाऊंगा। आज सारा दिन यही करना है मुझे, जहां तक मैं जा सकता हूं जाऊंगा, और वो वीडियो में भी दिखाऊंगा मैं आपको। और प्लान है एक दो और अच्छा अच्छा बिरयानी सब यहां का ट्राई करने का, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और ऐसे मैं ट्राई करूंगा अब हर सिटी में जाके ना कुछ दिन स्टे करके वहां का लोकल खाना सब ट्राई करूं, लोकल जगह दिखाऊं। बाकी काम करते हैं, लेट बिल्कुल भी नहीं करते, निकलते हैं फिर एक ही बार ये वीडियो को बाहर से ही कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ, देख लो, ताज कृष्णा के लॉबी में। और सबसे पहले जो मैंने डिसाइड किया ना जाने का, होटल सदाब। अभी लंच का भी टाइम हो गया इसलिए। वैसे होटल सदाब का ना तीन तीन ब्रांचेस है, मैं चार मीनार वाले साइड में जा रहा हूँ, पता नहीं सबसे पुराना वाला कौन सा है, लेकिन हाँ सदाब भी मेरे को बहुत लोगों ने रिकमेंड किया था। ये देख लो, अपना कैब बुक हो गया और कैब आ भी गया अपना। चलो भागते हैं फटाफट, आज क्या ट्राई करना है? हम लोग रोज बिरयानी ट्राई करते हैं। बुक होने के बाद ये वेट करते हैं कि आप कॉल करके कंफर्म करो, उसके बाद ही आएंगे ये। हाँ भैया, ये ताज कृष्णा के लॉबी में मैं खड़ा हूँ। कल से मैं यही चीज देख रहा हूँ, कैब बुक हो जाता है, एकदम पास में रहते हैं भैया, लेकिन वो फोन का वेट करते हैं। जब तक फोन नहीं करोगे वो आएंगे नहीं। OTP 5973। अरे वाह, देख लो यहाँ पे मूवी भी चल रहा है, वाह। सबसे पहले हम लोगों ने चूज किया है होटल सदाब। देखो भाई, मैं ये सब के मामले में ना मतलब प्रोफेशनल नहीं हूँ, जगह चूज करना कैसे क्या जाना है प्लान कर रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब वो सिटी में जाके वहाँ का मेन मेन जो रेस्टोरेंट है, मेन मेन जगह है, वो सब दिखाऊं। और वैसे रामोजी फिल्म सिटी का हम लोग देख रहे हैं कल जाने का, लेकिन सीन क्या है ना, कल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बस है, वो बस कवर करना है मेरे को। सुबह 9 बजे मेरे को निकलना रहेगा और 5:30 बजे तक वो टूर होता है, और मेरा बस है 7:00 बजे। थोड़ा सा मेरे को रिस्की लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं, जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। भूख लगा है? सब फिर बोलेगा कि भूखे भूखे, जब भूख होता है तभी मेरे को पूछेगा। भूख लगना अच्छा बात है यार, बहुत लोग भूख लगने का दवा लेते हैं। और वैसे एक बात है भाई, हैदराबाद में मैंने जितने बार भी नोटिस किया, जितने बार भी मैं आया हूँ, कार बहुत बढ़िया बढ़िया दिखता है यहाँ पे। कल मैं दो दो रोल्स रॉयस देखा, यहाँ पे ऐसा होता रहता है, यहाँ पे चलता है, बहुत बढ़िया बढ़िया कार है यहाँ पे। हाँ जी, तो अभी क्या हुआ ना, मैं भैया से पूछ रहा था बिरयानी के बारे में, वो बता रहे थे कि बावर्ची का बहुत सारा फेक आउटलेट है, जैसे कि मैंने बताया था ना आपको लास्ट वाले वीडियो में, तो वो बताया कि बावर्ची का बिरयानी उतना ज्यादा मसालेदार होता नहीं है। वो आप जब ऑर्डर करोगे ना, तो उनसे बोल देने के लिए कि कम मसाला वाला राइस देने के लिए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो कभी वो भी ट्राई कर लेंगे, बट अभी टाइम थोड़ा नहीं है। जी, तो अभी हम लोग आ गए अपने पहले स्टॉप में, होटल सदाब। तो देख लो भाई, कुछ ऐसा है, जाते हैं अंदर। अच्छा, यहाँ पे नीचे में इनका नॉन एसी सेक्शन भी है। भाई अंदर तो आ गया हूँ मैं, और देख लो क्राउड, देख लो एक बार, वेटिंग है भाई, वेटिंग है। तो देखते हैं यार मेरा नंबर कब आता है, अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी एग्जैक्ट देख लो, 4 महीने में 5 मिनट बाकी है, देखते हैं मेरा नंबर कब आता है। हाँ जी, तो अभी जस्ट हम लोगों ने अपना नाम लिखवाया है। यहाँ पे जो बिरयानी का क्रेज है ना भाई, नेक्स्ट लेवल क्रेज है, लोग मतलब 45-45 मिनट वेट कर रहे हैं। मेरा जो नंबर है लगभग आधे घंटे बाद आए, ट्राई करते हैं भाई। मैं तो अब और ज्यादा, मेरे को कोई चीज के लिए जब वेट करवाता है ना कोई, मैं मतलब और भी ज्यादा ये हो जाता हूँ कि भाई इसका टेस्ट कैसा होगा, देखना है मुझे। और देख लो क्राउड, देख लो भाई। कल मैंने स्टेशन से 10 रुपए का एक साबुन लिया, संतूर ना, उसी से मतलब हेड वॉश कर रहा था, उसी से फेस वॉश सब हो जाता है एक ही चीज से अपना। फाइनली भाई अंदर आ गए हैं, इतना वेट नहीं करना पड़ा, देख लो कितना टाइम हो रहा है। वेट करना पड़ता अगर मेरे को पर्सनल सीट चाहिए होता तो, लेकिन वो बोले शेयरिंग में बैठ जाओ, मैं बोला ठीक है भाई, हमको खा के भागना है, फिर और भी बहुत कुछ ट्राई करना है। चलो भाई साइड में बैठ गए अपना। वैसे अपने पास मेन्यू आ गया है, बिरयानी ऑर्डर करना है, फिर भी आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ मैं कि क्या क्या मिलता है यहाँ पर। देख लो जी, ये सदाब का मेन्यू है, इंडिया UAE, UAE में भी इनका एक है आउटलेट, और ये 1990 से 1990 से, जैसे अपना अर्शलान है ना कोलकाता वाला, UAE में शायद मेरे को लगता है उसी एरिया में होगा, पता नहीं, मैं कभी ट्राई तो नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ का बिरयानी अच्छा लगा तो यहाँ जाके भी ट्राई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो है ना देख लो, सदाब वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1990, यही वाला ब्रांच है,
जिसमें मैं अभी आया हूँ। तो देख लो ये सारा आइटम भी है, बट अपने को चाहिए यहाँ पे बिरयानी। तो ये देख लो ये सारा इनका बिरयानी का ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। मटन बिरयानी मतलब मटन दम बिरयानी 370 का है, बावर्ची वाला 300 रुपए का था। इसके अलावा भी बहुत सारा बिरयानी है, देख लो यहाँ पे फिश बिरयानी, प्रॉन बिरयानी, चिकन बिरयानी 345 और मटन बिरयानी 370। मैंने यहाँ पे मटन बिरयानी एक ऑर्डर किया है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और यहाँ पे ना एक आप मटन बिरयानी ऑर्डर करोगे दो लोगों का आराम से हो जाएगा। फाइनली ये आ चुका है अपना मटन बिरयानी, साथ में सलन और रायता तो रहता ही है। भाई ये बिरयानी देखकर तो बढ़िया लग रहा है। भाई साहब तो देख लो ये बिरयानी है, ये एक बिरयानी का ये इधर इतना और ये उधर इतना। मैं बोल रहा हूँ ना एक बिरयानी लोगे ना दो लोगों का आराम से हो जाएगा। फिलहाल एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है। चलो जी ट्राई करते हैं यहाँ का बिरयानी। और एक चीज है, जैसे अपने कोलकाता बिरयानी में क्या होता है ना, वो बिरयानी आते ही वो बिरयानी वाला जो अरोमा सब होता है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। इनका थोड़ा जो अरोमा है वो भी डिफरेंट है थोड़ा। बाय द वे ये जो है ना मटन दम बिरयानी है, एक चीज है राइस में भी वो मटन का फ्लेवर है, थोड़ा सा खट्टापन भी है, उतना ज्यादा भी ये मसालेदार नहीं लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। जो बिरयानी मैंने कल ट्राई किया था ना उसमें ऐसा लग रहा था कि रायता का या फिर सालन का जरूरत पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ जरूरत मेरे को नहीं लग रहा है। मेरे को लग रहा है ये ऐसे ही मैं खा सकता हूँ, अभी तक का खाया हुआ मेरा बेस्ट बिरयानी है। अभी देखते हैं मटन, मटन को थोड़ा चबाना पड़ रहा है। जो कल हम लोगों ने ट्राई किया था बावर्ची में उनका मटन एक नंबर था भाई साहब, ओवरऑल बढ़िया है ये। हाँ जी तो देख लो ये बिरयानी अभी मैंने ट्राई किया, भाई सच बता रहे हैं मजा आ गया ये बिरयानी ट्राई करके। पूरे राइस में ना मटन का फ्लेवर है और राइस जो है ना उतना ऑयली भी नहीं है, ये उतना मसालेदार भी नहीं लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और इसको मैं विदाउट इसके भी खा सकता हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ये। कैसा है ये, कल वाले से बेटर लगा? चलो इसको कंप्लीट करते हैं। और एक बात है, मटन थोड़ा सा टाइट है, मतलब मटन को थोड़ा चबाना पड़ रहा है। मटन मुझे बावर्ची का ज़्यादा अच्छा लगा था, ये थोड़ा सा हार्ड है, हो सकता है मेरे को हार्ड पीस मिल गया होगा। चलो जी अपना खाना पीना हो गया है, मटन बिरयानी देख लो 370 का टोटल हुआ है अपना 434। ये बिरयानी मैं बोलूंगा बढ़िया बिरयानी था। चलो जी यहाँ से बिरयानी ट्राई करके तो निकल गए हैं, बिरयानी कैसा लगा यहाँ का? वही बात है, सबसे ओल्डेस्ट इनका यही ब्रांच है, यही से स्टार्ट हुआ था सदाब। वैसे भी एक काम करते हैं हम लोग, चार मीनार यहाँ से बस वॉकिंग डिस्टेंस में जाते हैं, थोड़ा वो भी घूम लेते हैं। मैं तो घुमा हुआ हूँ, मैडम को घुमाते हैं चलो। और ये वॉक करते करते ही हम लोग पहुँच गए हैं चार मीनार, देख लो। बिरयानी खाने के बाद वॉकिंग भी हो गया थोड़ा बहुत। और ये पूरा ना आसपास में बहुत मार्केट है, अगर आपको मार्केटिंग वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हो, चारों ओर पूरा मार्केट ही मार्केट है। ऑल राइट तो अभी देख लो चार मीनार पहुंच गया हूं मैं। और याद है आज से शायद तीन साल पहले मैं इधर आया था, मम्मी के साथ मैं इधर आया था। और एक्चुअली ये जो है ना सदाब हो गया, पिस्ता हाउस हो गया, सागोस हो गया, और भी बहुत सारा है, पैराडाइज हो गया, निमरा हो गया, ये सब का जो लोकेशन है ना आसपास में ही है, आप इसको वॉक करके भी घूम सकते हो। ऑटो वगैरह लेने की जरूरत नहीं, ऑटो लेके फायदा भी नहीं है, इतना क्राउड है ना, आधा टाइम तो ट्रैफिक में ही रहोगे। ये लेके दूसरी बार मैं पहुंच चुका हूं चार मीनार। ये ईरानी समोसा है, ईरानी समोसा है ना भैया? लास्ट टाइम आया था तो मुझे ये ईरानी समोसा के बारे में नहीं पता था, ईरानी चाय के बारे में आइडिया था, ईरानी समोसा भी मिलता है इसका आइडिया नहीं था। ये अच्छा है, ये आप मार्केट शाम को आ जाओ, अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा आपका। वैसे एक बात और है, अगर आप चार मीनार घूमने के लिए आ रहे हो ना तो ये शॉपिंग के लिए भी सबसे बेस्ट है, आप शॉपिंग भी कर सकते हो। पास में देख लो यहाँ पे पैराडाइज बिरयानी भी है, बहुत कुछ खाने पीने का भी मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं निमरा, याद होने 5 मिनट का वॉकिंग है यहाँ से ईरानी चाय पीने के लिए। देख लो भाई साहब देख लो, पूरा मार्केट ही मार्केट है, लड़कियों के लिए तो हब है ये। फाइनली देख लो पहुंच गया निमरा, पास में ही है यार, 5 मिनट भी नहीं है, मतलब 50 मीटर भी नहीं था। यहाँ पे मैंने पिया था ईरानी चाय, और एक चीज रिकमेंड किया था बहुत लोगों ने मुझे, यहाँ का उस्मानिया बिस्किट, वो भी ट्राई करेंगे। लो जी पहुंच गया मैं निमरा। ऑलराइट तो देख लो मैं अभी आ गया हूँ निमरा कैफे एंड बेकरी में, और ये जो देख रहे हो ना यही है उस्मानिया बिस्किट, ये देख लो एकदम गर्मा गर्म बन के निकला है अभी। भाई साहब देख लो निमरा कैफे एंड बेकरी क्वालिटी बेकिंग सिंस 1993। ये अपना बिस्किट आ गया, चाय का वेट करते हैं। भाई यहाँ पे बिस्किट का देख लो कितना सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। फाइनली अपना चाय आ गया है, देख लो ईरानी चाय ट्राई करते हैं बहुत दिनों बाद। पहले जब मैं आया था ना तो एक कप प्लेट में मिलता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से वो सब कुछ बंद हो गया, अभी वो डिस्पोजल कप में वो देते हैं। और ये उस्मानिया बिस्किट इतना अच्छा लगा ना, देख लो जी मैंने पैक भी करवा लिया यहाँ पे। मैं रिकमेंड करूंगा जब भी हैदराबाद आ रहे हो ईरानी चाय तो ट्राई करना, साथ में उस्मानिया बिस्किट भी ट्राई करना। चाय कैसा था? चाय अच्छा था ना?
वही बात है, बिस्किट और चाय का कॉम्बिनेशन ही एक नंबर है। अभी भी वही सेम टेस्ट जो आज से मैंने 3.5 साल पहले पिया था। ये बिस्किट वाकई में बहुत अच्छा है। फाइनली हम लोग अभी निमरा कैफे से निकल गए हैं। ये भी ले लिया मैंने एक बार भाई, मैंने ट्राई किया उस्मानिया बिस्किट, मजा आ गया खा के। जस्ट एकदम ये बैक साइड है आप बोल सकते हो, चार मीनार का बैक साइड है। यहाँ से आते ही आप यहाँ आ जाना, यहाँ का चाय जरूर ट्राई करना। चाय और बिस्किट मस्ट है। आपको ले नाम बता दो अपना। मोहम्मद अखिल। मोहम्मद अखिल मेरा इंस्टाग्राम का नाम है। 007 इमू। इमू मतलब रील्स वगैरह डालते हो, बढ़िया। तो वो देख लो चार मीनार दूर में, वहाँ से हम लोग वॉक करते हुए इसी रोड में आपको पिस्ता हाउस भी मिल जाएगा और सग हाउस। क्या सग हाउस? देख लो पिस्ता हाउस तो मुझे दिख गया, पहले जाते हैं पिस्ता हाउस में। यहाँ भी मैंने सुना है बहुत अच्छा ईरानी चाय मिलता है। वैसे तो अभी हम लोगों ने चाय पी लिया है, लेकिन बस वीडियो में दिखाने के लिए एक कप ले लेंगे। ये भी बहुत फेमस है, आपको हर जगह पिस्ता हाउस ऐसा दिख जाएगा। अच्छा तो मैं भी इधर चला गया था ये वाले पिस्ता हाउस में। ये एक तरह का रेस्टोरेंट है, कैफे है, केक वगैरह भी मिल रहा था। चाय के लिए आपको बगल में आना पड़ेगा, तो ये पिस्ता हाउस यहाँ मिलता है चाय। ये देखो ऊपर में लिखा भी हुआ है पिस्ता हाउस जफरानी टी। अच्छा पहले टोकन लेना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देख लो दो टाइप का चाय मिलता है, हैदराबादी दम चाय एक जफरानी चाय। चलो जी देखते हैं कैसा है ये पिस्ता हाउस का जाफरान टी। अभी तो निमरा में हम लोग ईरानी चाय पीकर आ रहे हैं। भाई तो देख कर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पीते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है यार, ईरानी चाय से बेटर है। नहीं ईरानी चाय अलग है, ये अलग है। ये कैसा लग रहा है मालूम है? ये लग रहा है जैसे कि वो बटर स्कॉच आइसक्रीम होता है ना, उसको गरम करके दिया हुआ है ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है। ये चाय इसलिए भी हम लोग को अच्छा लग रहा है ना क्योंकि अभी इंडोनेशिया में हालत खराब हो गया था हम लोग को बढ़िया चाय ढूंढकर, इसलिए अभी सभी चाय अच्छा लग रहा है। ऑलराइट तो जब भी आप चार मीनार आते हो ना, देख लो वो चार मीनार है। चार मीनार से मतलब बैक साइड से आप आना, आते ही आपको सबसे पहले दिख जाएगा निमरा, फिर पिस्ता हाउस। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मैं बोलूंगा आप यहाँ का जफरानी टी एक बार ट्राई करना, मजा आ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं स्ट्रेट साग हाउस, उसको बोलते हैं कुछ, वही जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। वहाँ भी बहुत सुने फेमस है यहाँ पे हैदराबाद में। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं साग हाउस स्पेशल शर्मा। ऑलराइट तो अभी हम लोग आ गए हैं साग हाउस में। साग हाउस यहाँ पे आकर मैं क्या ऑर्डर किया हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। और बाय द वे ये जो रेस्टोरेंट देख रहे हो ना आप, ये साग हाउस का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है, मेन ब्रांच है, आप बोल सकते हो सबसे मेन ब्रांच यही है। अभी तो खैर बहुत सारा, टोटल 7 ब्रांच हो गया इसके अलावा। और ये अभी हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया मैं बताता हूँ आप। तो ये सबसे पहले देख लो बटर नान, प्रॉन क्रिस्पी कुछ है, क्या बोलते हैं इसको, लूज प्रॉन यहाँ पे बोला जाता है इसको, एपी मटन है। ये तीन चीज हमें रिकमेंड किया गया यहाँ का, क्योंकि देखो बिरयानी में हर जगह का ही ट्राई कर रहा था, यहाँ पे आके यहाँ का जो सबसे बेस्ट आइटम है वही मैं ट्राई करूंगा। तो ये सब मैंने ले लिया, देख लो थोड़ा थोड़ा ही लेंगे, ट्राई करेंगे, बढ़िया लगेगा तो आपको रिकमेंड भी करेंगे। ये देखकर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ये जो प्रॉन है क्रिस्पी क्रिस्पी होगा। चलो जी ट्राई करते हैं सबसे पहले ये लूज प्रॉन, यहाँ पे बोला जाता है इसको। सबसे पहले तो एकदम फ्रेश है प्रॉन, बहुत बढ़िया है। और ऊपर से कुछ तो इसमें कुछ एक मसाला भी ऐड ऑन किया हुआ है, हल्का सा बिल्कुल लाइट, एकदम स्पाइसी भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ट्राई करते हैं इस एपी मटन के ग्रेवी के साथ, पेट हमारा पूरे तरीके से भरा हुआ है। स्पेशली ये रेस्टोरेंट ट्राई करना था, बहुत लोगों ने रेकमेंड किया था, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। ये सब जो देख रहे हो ना ये सब कुछ पैक होगा, बस थोड़ा थोड़ा हम लोग ले लिए हैं खाने के लिए ताकि टेस्ट करके आपको दिखा पाए। पेट वगैरह सब कुछ भरा हुआ है, फिर भी मैं बता रहा हूँ ना बहुत अच्छा लगा, ये तो मेरे को जबरदस्त लगा। लूज प्रॉन मटन भी लग रहा है काफी अच्छे तरीके से कुक किया गया, देख लो। बाकी तो भाई मटन बहुत अच्छे तरीके से कुक किया गया है, और मेरा फेवरेट देख लो करी पत्ता भी है, और इसमें घी का भी काफी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। मैं बोला ना आपको लग रहा होगा काफी मसालेदार, लेकिन वैसा नहीं है, खाने में बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी चलो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं फिर निकलते हैं। हाँ जी तो खाना वगैरह ट्राई करना हो गया, और बाकी जो बचा हुआ था उसको मैंने पैक भी करवा लिया है। और अभी देख लो ये लाइम सोडा, और साथ ही कुछ तो एक कुल्फी था इनका। फिलहाल अभी अपना लाइम सोडा पीते हैं फिर जाते हैं अपने होटल की तरफ। हाँ जी तो साग हाउस से मैं खाना ट्राई करके निकल गया हूँ। टोटल हमारा 650 रुपए का बिल हुआ, और देख लो ये पैक भी करवा लिया है। खाना नो डाउट बहुत टेस्टी था, लेकिन पेट पूरा भरा हुआ था। अच्छा हुआ वो अपना डिनर हो जाएगा, रात में जब भूख लगेगा तब खा लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग का प्लान हो रहा है यहाँ से हुसैन सागर जाने का। चलो जी अभी हम लोगों ने यहाँ से कैब ले लिया है, वहाँ से हम लोग निकल गए, अभी हम लोग वहाँ से निकल के जा रहे हैं हुसैन सागर लेक। मतलब अभी टाइम था उसीलिए ला लिया हमने आपको। पूरा देख लो दुबई का फाउंटेन वाला वाइब्स आ रहा है यहाँ पे, यहाँ जरूर आना, ये शायद नेकलेस रोड है। और जस्ट मेरे पीछे देख लो हयात का होटल है, और अभी मैं आ गया हूँ जीबीके 1 मॉल में। ये देख लो ये मॉल है, अब यहाँ से हमारा होटल एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में, एकदम पास में ही है अपना होटल। पीछे में ही देख लो यहाँ पे हयात होटल भी है। तो एक काम करते हैं जाते हैं मॉल के अंदर, थोड़ा घूमते हैं, टाइम पास करते हैं। बहुत टाइम है अभी, अभी 9 बज रहा है, 10 बजे तक जाएंगे होटल। शॉपिंग तो कुछ ऐसा करना है नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है एक्वेरियम देखो। तो देख लो जी वहां से वॉक करते हुए वो जो है ना, देख लो आपको दिख भी रहा होगा जीबीके 1 मॉल,
वहाँ से वॉक करते हुए अपने होटल आ गए ताज कृष्णा हैदराबाद। ओ भाई साहब रात में तो जबरदस्त सजाया है होटल को। फाइनली अपने होटल में पहुँच गए, अब थोड़ा रूम में रेस्ट करना है। देखेंगे रात में कुछ फ्रेश लाइम सोडा टाइप कुछ ऑर्डर कर लेंगे। मेरे को किसी भी फाइव स्टार होटल का ना ये वाला पार्ट मस्त लगता है। रूम देख लो अपना मस्त एकदम साफ सुथरा करके चले गए हैं। और आज बहुत कुछ हम लोगों ने ट्राई किया और एक दिन में ज्यादा कुछ ट्राई करना पॉसिबल भी नहीं है। अभी भी आई नो बहुत सारा जगह रह गया है, लेकिन भाई मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है ना, इसलिए सारा तो कवर नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, जितना मैंने ट्राई किया कवर करने का उतना किया मैंने। प्लान है मेरा कल भी कुछ कवर करूंगा मैं, तो देखते हैं कल क्या क्या हो सकता है। रूम आते ही मैं नहा लिया हूं क्योंकि भाई साहब जो गर्मी है ना यहां पे, नेक्स्ट अभी जहां जाने वाला है ना वहां पे शायद थोड़ा ठंडा माहौल रहता है। होप कि थोड़ा ठंडा माहौल मिले तो अच्छा लेयरिंग वगैरह करने का मौका मिले। बाकी होप कि आप को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो। देखते हैं कल क्या क्या कवर कर सकता हूं मैं। अगर यहां तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।